सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। मथुरा थाना राया का रहने वाला पीड़ित व्यक्ति एसएसपी के द्वारा लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित व्यक्ति का कहना था कि विगत कई लंबे अरसे से थाना राया पुलिस को दे चुका है प्रार्थना पत्र, कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाती, तो आया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वार। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने दिलाया न्याय का भरोसा। देखिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कृष्णा गुप्ता के साथ। आपको दिखा रहे हैं मथुरा का एसएसपी ऑफिस और यहाँ पर ये आया है, इनसे जानते हैं पीड़ित से क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम सर अमित कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर नंगला हंसी थाना राया का रहने वाला हूँ। क्या चाहते हो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस के पांडे साहब से? चाहता हूँ सर मेरे चाचा से मेरा विवाद चल रहा है, माननीय सिविल जज जूनियर डिविजन माननीय न्यायालय में मेरा विवाद चल रहा है, जिसका बात संख्या 291/2022 है। अच्छा। चाचा आए दिन मुझे परेशान करते हैं, कल शाम को भी मैं चारे मशीन पर चारा कूटा था तो चाचा और चाचा के दोनों लड़के ने मेरे साथ आके मारपीट की, गंदी गंदी गालियां गलौज की, मैंने मना किया तो मुझे मेरी पत्नी और मेरी माँ को मारा और मेरी पत्नी और मेरी माँ के कपड़े तक फाड़ डाले। अब कौन सा थाना आता है आपका? थाना राया आता है सर। राया पुलिस क्या बोली? राया पुलिस के पास मैं गया तो वो बोलते हैं कि 116 डी सी आरपीसी की हम कार्रवाई कर देंगे। चलिएगा, ये पीड़ित आया मथुरा के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के द्वार, लगाई न्याय की गुहार है। आए दिन पीड़ित लगाता है प्रशासनिक गलियारों में न्याय की फरियाद। आखिरकार देखते हैं मथुरा के जिला प्रशासनिक अमला और उत्तर प्रदेश सरकार इस पीड़ित व्यक्ति की जो समस्या है उसका क्या निदान करा पाएगी या फिर ये ढर्रा यूं ही बरकरार जारी रहता है। मथुरा से जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।